नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा चैनल में एक बार दोबारा उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, मैथ की श्रृंखला में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के बारे में। चूंकि अभाज्य संख्या से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनते हैं, या कई बार जो है औसत में, एवरेज में इस पॉइंट से जो है प्रश्न बना दिया जाता है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत या एवरेज क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न बन जाता है। तो जब तक आपको जो है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं की जानकारी नहीं होती है, तब तक आप इसका उत्तर जो है नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि प्राइम नंबर किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का पार्ट है, प्राकृतिक संख्या का। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं अगर धनात्मक होती हैं तो अभाज्य संख्याएं भी धनात्मक होती हैं। पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जो है अभाज्य संख्या की क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद जो है देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, तो परिभाषा में यह दिया गया है कि एक को छोड़कर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो। तो परिभाषा दिमाग में बैठा लीजिए, एक को छोड़कर मतलब एक नहीं लेना है। इसके बाद ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित न हो। इसका मतलब यह भी कह सकते हैं सिर्फ एक और स्वयं जो है विभाजित हो। तो स्पष्ट हो गया, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या के पार्ट में आप चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। अगर यहां हम लिस्ट बनाएं तो लिस्ट में पहला नंबर आ जाएगा दो, क्योंकि दो या तो दो से विभाजित होगा और साथ में एक से विभाजित होगा। इसके बाद है तीन, थ्री, इसके बाद फाइव, फिर सेवन। ये जो है नंबर्स एक और स्वयं के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। इसके बाद इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन और नाइनटीन, ये नंबर मिल गया। इसके बाद टू थ्री, टू नाइन, इसके बाद जो है नंबर मिलेगा थ्री वन, इसके बाद थ्री सेवन, थर्टी सेवन, फिर जो है कितना फोर्टी वन, फोर्टी थ्री और फोर्टी सेवन, सैतालीस। इसके बाद क्या मिलेगा फिफ्टी थ्री, इसके बाद फिफ्टी नाइन, नेक्स्ट नंबर 61, इसके बाद 67, दोबारा मिल जाए, इसके बाद जो है 71, 73, फिर मिलेगा 79, फिर मिल जाएगा 83, फिर 89, फिर मिलेगा 97। ये हमने क्या किया है, एक से लेकर सौ तक की अभाज्य संख्याएं जो है लिख दिए हैं, 1 to 100 प्राइम नंबर्स हमने ये लिस्ट जो है दिया है। इसको जो है समझने की कोशिश कीजिए कि एक से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं में चार अभाज्य संख्याएं, 10 से लेकर जो है 20 तक जो है चार अभाज्य संख्याएं, 30 से 40 तक जो है कितनी अभाज्य संख्याएं दो, 40 से 50 तक दो, इसके बाद 20 से 30 तक दो, 30 से 40 तक दो, 40 से 50 तक तीन,
52, 60 to 70, 2, 70 to 80, 3, 80 to 90, 2 और 90 to 100 कितना है? 1 है। तो जरा टोटल जो है प्राइम नंबर को काउंट कीजिए कि कुल कितने ये प्राइम नंबर हो रहे हैं। तो अगर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इस तरीके से हमने देख लिया कि कुल जो है ये कितने नंबर है, 25 जो है प्राइम नंबर है। संख्या कितनी आई गिनने के बाद, ये 25 जो है आ रहा है। और इसका जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए आप यहां से लिख सकते हैं 1 to 10, 10 to 20, और ये 20 to 30, 30 to 40, और ये 40 to 50, 50 से 60, इसके बाद 60 to 70, 70 to 80, और 80 to 90, 90 to 100। तो कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल जो है संख्या जो है 25। कई बार जो है कुछ एग्जामों में जो है ये प्रश्न, कुछ एग्जाम्स में जो है ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो आइए इसके बाद एक देखिए, यहां ऑब्जर्व कीजिए जरा, फर्स्ट प्राइम नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कितना है? 2 है। अभाज्य संख्याओं की संख्या भी जो है क्या होती है? अनंत होती है। क्यों? चूंकि अगर ये नेचुरल नंबर का पार्ट है, प्राकृतिक संख्या का भाग है, इसका मतलब अगर प्राकृतिक संख्याएं अनंत है तो प्राइम नंबर भी जो है कितने होते हैं? अनंत होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और एक चीज ध्यान दीजिए, 2 जो है, 2 जो है सम संख्या भी है, ध्यान में रखिए। इसके बाद जितने प्राइम नंबर है, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी जो है अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है, एक्सेप्ट जो है केवल जो है कौन सा है? 2 जो है सम संख्या है। इसीलिए इसको जो है क्या बोला जाता है, इसका नाम दिया जाता है इवन प्राइम नंबर। सम अभाज्य संख्या, सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए इसको जो है हम क्या कह सकते हैं? मैजिक इवन नंबर। ठीक है, तो मैजिक इवन नंबर जो है 2 हुआ। क्यों? चूंकि ये सम संख्या के साथ साथ कौन सा नंबर है? अभाज्य संख्या है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में ये प्रश्न बने, कई बार ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि बताइए 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 20 से जो है छोटी अभाज्य संख्याओं का योगफल आप जो है यहां से जो है निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। अगर ये प्रश्न पूछ दिया कि 20 से जो है छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या काम करना है? तो ऐसा प्रश्न पूछा, इसका मतलब इन नंबर्स का जो है सम कीजिए, और सम करने के बाद क्या जो है इनका जो है एवरेज या औसत फाइंड कर लीजिए। अब मान लीजिए ऐसे प्रश्न बना दे, 50 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कुल कितनी है? तो 50 से बड़ी अभाज्य संख्या अगर लिस्ट आपको ये पता है तो 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ठीक है, और लाजिकली इसको जो है आप देख सकते हैं, इसमें जो है 4 नंबर, इसमें 4 नंबर, 4 नंबर, इसमें देखिए 2, 3, 2, 9, 3, 1, 3, 7, 4, 1, 4, 3, 4, 7। इसके बाद देखिए वही रिपीट हो रहा है, अगर यहाँ 2, 3 आया है तो यहाँ 5, 3 आया है, 5, 3। अगर यहाँ 2, 9 है तो यहाँ कितना है? 5, 9 है। ऐसे ही अगर यहाँ 3, 1 आ गया तो यहाँ 6, 1 आ गया, यहाँ 3, 7 है तो यहाँ 6, 7 है। इसके बाद देखिए 4, 1, 7, 1, 4, 3, 7, 3, 4, 7, यही जो है अंतर हो रहा है 7, 9 का। इसके बाद देखिए फिर अगर यहाँ आपने
5323 देखा है तो 8329 है तो 89। इसके बाद लास्ट वाले जो है रो में जो है पंक्ति में क्या है सिर्फ एक नंबर है 97। ये ध्यान में रखिए कि एक से लेकर 100 तक कुल कितने जो है प्राइम नंबर हुए 25। ऐसे ही 100 से लेकर 200 तक जो है कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं 21। 200 से लेकर 300 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं 16। 300 से लेकर 400 तक 16 प्राइम नंबर और 400 से लेकर 500 तक कुल 17 प्राइम नंबर होते हैं। ये लिस्ट जो है अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए। हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ दिया जाए 100 से लेकर 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो यहां पे 21 16 16 17। तो ये लिस्ट मैंने बना दिया कि एक से लेके 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसकी लिस्ट है। लिस्ट जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप जो है अगर कोई नंबर दिया जाता है तो दिए गए नंबर को जो है कैसे पता कर पाएंगे कि दिया गया नंबर अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा, ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन मैंने लिखवा दिया, आप जो है ऊपर यहां से नोट कर लीजिए। और परिभाषा के बाद ये प्राइम नंबर पे डिस्कशन। तो आगे के लेक्चर में जैसा कि हमने कहा कि आपको जो है ये बताएंगे कैसे दिए गए नंबर को आप जज कर पाएंगे कि दिया गया नंबर अभाज्य संख्या है कि नहीं है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो ये आपको जो है पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें इसकी जानकारी आपको जो है तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में हम दोबारा से आपको जो है मिलते हैं अपने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और मैथ को जो है आसानी से जो है सीखते रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट मैथ में जो है बिना कॉन्सेप्ट के आप मैथ नहीं सीख सकते हैं। जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है वो जो है छोटी छोटी ट्रिक्स तब काम करती है जब आपको जो है मैथ आता रहता है, कॉन्सेप्ट आता रहता है। धन्यवाद।